अब ओए तू फिर आ गया, तू नहीं सुधरेगा। किस दिन तेरे यहाँ बैठे बैठे के सिर में ईंट मारूंगी ना फेंक के, जब समझ आएगी तेरे। चल भाग यहाँ से। अबे शर्म नहीं आती, इतना बड़ा हो गया ये सब कुछ खुले में करता है, घर जाके किया कर बेशरम। अरे शर्मा जी, ये अपने लड़के को संभालो यार, पूरी सोसाइटी का माहौल खराब कर रखा है इसने। 24 घंटे ये खतरा मंडराता रहता है सर पे, पता नहीं कब कहाँ बमबारी कर जाए। अगर अगली बार इसने ऐसी हरकत करी ना तो इसे पुलिस से पकड़वा दूंगी। अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसा गजब मत ढाओ, मैं अपने लड़के को समझा दूंगा, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। हाँ तो ले जाओ इसे। शर्म नहीं आती तुझे, पूरी सोसाइटी में नाक कटवा रखी हमारी, ऐसी औलाद होने से तो बे औलाद होना बढ़िया था। चल घर संभाल ले अपनी इस लाल ने, मोहल्ले की सारी सड़क पीली करता डोल रहा है, कोई हम तो पूछे तो क्या है, हमारे छोरे ने खुले मगन की बीमारी है। क्या करूं इसका, परेशान कर रखे है, चाहता क्या है तू? भाग गया ना, अब तो इसका इलाज एक टीम कर सके। सरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ओहो इसका मतलब समझे बे है या? इसका क्या मतलब हो सकता है सर? इसका मतलब गाड़ी खराब हो गई लगता है। अरे सर ये बेफालतू की बातें मत करो, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज, और उसके बाद केस पे भी तो जाना है। और सर मैंने सुना है इस बार इंटरनेशनल लेवल का केस है। ये जंगली आदमी कौन है? सर ये शिलाजीत, दिलजीत का छोटा भाई। दिलजीत का है? आज उसको लड़की वाले देखने आ रहे थे तो उसने अपना भाई भेज दिया। चलो कोई बात नहीं, शिलाजीत काम पे लग जाओ, बाहर उतर के देखो कि गाड़ी में खराबी क्या है, गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। बेहया बीड़ी है? नहीं सर। शाबाश, पीनी भी नहीं चाहिए, सेहत के लिए खराब होती है। सर ये देखिए, ओहो इसका मतलब समझे बेहया? इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब तुम्हारे खाने का जुगाड़ तो हो गया। पर ये गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही यार? चलो एक काम करते हैं, पैदल ही चलते हैं। ज्यादा कंफर्टेबल होने की जरूरत ना है, कैसे बैठा आलती पालती मार के, उगड़ो के बैठ। उगड़ो मत बैठाओ साहब, प्रेशर बन जाता है। ठीक है बैठा रहे ऐसे ही। तू तो कह रहा था इंटरनेशनल लेवल का केस है, इंटरनेशनल तो ना आयो। प्रदूषण साहब इसकी बीमारी का पता लगाओ और इसका इलाज करो, नहीं तो हमने गांव समाज में मोदी खाने लगना छोड़ देगा। अरे आप टेंशन मत लो, हमने बड़े बड़े केस चुटकिया बजा के सोल्व कर दिए हैं। बेहया बताना जरा इन्हें, बताओ। शिलाजी तुम बताओ। खैर छोड़ो ये सब बातें, आप दिक्कत मत लो, इसकी बीमारी का इलाज मैं 3 राउंड में कर दूंगा। Round 1। अरे की दिक्कत है तेरे, सारी दुनिया तो स्वच्छ भारत अभियान फॉलो कर रही है और तू खुले मांगता डोल रहा है, घर पे ना कर सके। गैस वैस बने तेरे तो फिर कब्जी हो रही है, 2-3 घंटे लगे इसलिए बाहर जावे तो फिर बदबू ज्यादा आवे, पूरा घर ना महक उठे, इस चक्कर में बाहर जाना पड़े। अरे तो फिर दिक्कत की है यार, बड़ा बेवकूफ आदमी है, तो किसी डॉक्टर वॉक्टर का दिखाया है? प्रदूषण साहब हर एक डॉक्टर के दिखा लिया हमने, MBBS DS CS, लेकिन इस बीमारी को इलाज ही ना है। एक इलाज है वो क्या? इसकी नजर उतारो। प्रदूषण साहब हमने इसकी नजर उतार ली, झाड़ा लगवा ली, टुंडा टोटला सब कर लिया, पर यो ऐसा ही है। अच्छा जी, ब्रह्मास्त्र भी फेल होगा। अच्छा वैसे एक बात बता, इतनी ठंड पड़ रही है, हमारा सुबह रजाई में तो निकलने का मन ना करे, और तू कच्चा बलियान पहन के घूम रहा है, तुझे ठंड ना लगे? बड़ा बुरा हाल है इसका तो, कितने दिन हो गए करे। इसका तो बड़ा बुरा हाल है सही में। खैर कोई बात नहीं, इस राउंड में तो हम पता नहीं लगा पाए, लेकिन दूसरे राउंड में जरूर पता लगा देंगे, पर उसके लिए लोकेशन चेंज करते हैं, यहां तो इसने माहौल बिगाड़ दिया। राउंड 2।
कुछ तो गड़बड़ है बेहया। पहला राउंड तो तुमने बहुत आसानी से पार कर लिया, लेकिन दूसरे राउंड में 90% लोग फंस ही जाते हैं। तुझे तेरी माँ का समय सच बता सब कुछ। मजाक चल रहा है, कॉमेडी हो रही है यहाँ? यार बड़ा ही तेज छोरा है तो। सर तेज भी और खतरनाक भी। खतरनाक कैसा भाई? अभी कुछ दिन पहले रोड के बीचों बीच हक दिया, गाड़ी उस पर चढ़ते ही पलट गई। इतना सख्त लोहा खावे के भाई? ये केस उतना आसान है नहीं जितना हम सोच रहे थे। सर सिर्फ 10 मिनट के लिए जान दो, बहुत तेज प्रेशर बन रहा है। तो फिर अपने घर में जाकर कर ले। कर नहीं जाऊंगा सर। तो फिर खड़ा रहे यहीं, आज इसे जाने नहीं देना है। सिर्फ 10 मिनट, उसके बाद चाहे मुझे फांसी पे चढ़ा देना जनाब। एक बार मना कर दिया ना, नहीं तो नहीं। इतना ढीठ बालक पैदा कर रखा है, क्या खा के पैदा करा था इसे? बेहया शिलाजीत पकड़ो इसे। सर 2 मिनट दे दो, बहुत दिनों से परेशान हुआ, अभी आया करके। अब ना देते दे 1 मिनट भी, भगा भगा के हमारा और परेशर बना दिया। चलो तो सर दोनों एक साथ चलते हैं। चल कर। अरे जनाब मेरी मजबूरी समझो, मैंने जान दो, देख लो नहीं तो मामला यही गड़बड़ा जाएगा। बेटा जॉन सिन्हा के मौसी के छोरा के भी यही बीमारी थी, और उसका इलाज भी मैंने तीसरे राउंड में ही करा था। तेरा भी तीसरे में ही होएगा, लेकिन यहाँ नहीं, कमरे में अकेले। सर आपने उसको जाने क्यों दिया? क्योंकि वो बेकसूर है, उसकी कोई गलती नहीं है, और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करके उसका कहीं भी अगो प्रमाण पत्र बनवा के दूंगा, ताकि वो जहां चाहे कर सके। सर उसने आपको अंदर ऐसा क्या बोल दिया? सच बता क्या सीन है तेरा? तुम्हारे घर के हर कमरे में बाथरूम है, फिर भी तू बाहर क्यों जाता है? सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो वैसे भी 15-20 दिन में एक बार जाता हूँ सर, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो सर, मारो मत सर। तू ऐसे नहीं मानेगा। सर प्लीज छोड़ दो सर, बता दो सब कुछ बता दो सर, 1 मिनट रुक जाओ। अब आए ना लाइन पे, बता सच क्या बात है? सर वो बाथरूम में छिपकली है। बाथरूम में छिपकली है। हे गाइस कैसी लगी वीडियो? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई हो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हर घर में कोई ना कोई एक बंदा ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जो छिपकली से बहुत ज़्यादा डरता है। तो ये वीडियो उस बंदे को अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के ज़रूर दिखाना। और यार मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई देसी सीआईडी का पार्ट 3 कब निकालोगे, तो मैंने फाइनली निकाल दिया है। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ताकि हम पार्ट 4 पर काम शुरू कर सकें। और हाँ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि पार्ट 4 किस किस को चाहिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड बटन होगा और घंटा भी होगा, दोनों दबा देना।